नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ योगा माई लाइफ पर। आज के मेरे वीडियो का शीर्षक है मंदिर में बजने वाली घंटियों का रहस्य। अक्सर आप मंदिर में जाकर घंटियाँ बजाते हैं और चर्च में घंटियाँ बजाई जाती हैं और बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर घंटियाँ बजाई जाती हैं। मंदिर में घंटियाँ बजाने का और चर्च में घंटियाँ बजाने का और जितने भी धार्मिक स्थल पर घंटियाँ बजाई जाती हैं उनका एक रहस्य है। इस बात का एक रहस्य है, रहस्यमय बात है ये। बिना मतलब से कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। बिना मतलब से कोई जो है घंटी कहीं पे नहीं लगाई जाती। हर चीज की एक वजह होती है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। पहला चक्र है मूलाधार, दूसरा है स्वाधिष्ठान, तीसरा है मणिपुर, चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्धि, छठा आज्ञा और सातवां सहस्त्रार। ये चक्र जो है एनर्जी के पुंज हैं। हर चक्र के अपने गुण हैं। जैसे जैसे चक्र विकसित होते हैं वैसे वैसे हमारी इस माइंड के थ्रू इस धरती पर पकड़ बढ़ती चली जाती है। मूलाधार जो चक्र है वो मूलभूत सुविधाओं के लिए है। अगर मूलाधार चक्र जिसका सुदृढ़ होगा उसके पास अनगिनत मूलभूत सुविधाएं होंगी। ऐसे ही स्वाधिष्ठान चक्र भावनात्मक चीज़ों को लेकर है, भावनाओं को लेकर है और विषय विकारों से मिलने वाले भोगों को लेकर है। ऐसे ही मणिपुर चक्र जो कि नाभि पर है वो एनर्जी का सोर्स है। वहाँ से एनर्जी या तो नीचे की ओर बहेगी, नीचे की ओर मतलब स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र की ओर, या फिर ऊपर की ओर यानी कि अनाहत विशुद्धि और फिर आज्ञा और सहस्त्रार चक्र की ओर। यहाँ पे रहस्य छिपा हुआ है घंटियों की आवाज का। हर चक्र पर एक अलग प्रकार की आवाज होती है। घंटियों की आवाज बजती है यहां से और ये घंटियों की आवाज जो बाहर सुनाई दी जा रही है, जो बाहर से आपसे बजवाई जा रही है मंदिर में, वो घंटियों की आवाज जब आपके चक्र विकसित होते हैं तो यहां पर सुनाई देती है। मैंने पढ़ा है कुरान में मोहम्मद जो है घंटियों की आवाजों से बात किया करते थे। उनका जो कम्युनिकेशन होता था, डिवाइन कम्युनिकेशन होता था, दिव्य कम्युनिकेशन होता था, वो घंटियों की आवाज के माध्यम से होता था। मंदिर में घंटियों की आवाज इसलिए सुनाई जाती है और मंदिर में घंटियां इसलिए ही लगाई जाती हैं ताकि घंटी की आवाज आप जब जब बजाएं आपको अपना टारगेट पता चले कि उस ईश्वर से जो कि एक है, हर धर्म का ईश्वर एक ही है, उस ईश्वर से कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है वो यही है। जब अंदर से घंटियों की आवाज़ें सुनाई देंगी तो उस ईश्वर से अपने आप कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। जब व्यक्ति का स्तर इस ध्वनि तक पहुंचता है, हृदय चक्र पर घंटियों की आवाज़ों से जुड़ता है, तब किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। तो ईश्वर उसका खुद गुरु होता है। तब परमात्मा डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है। तब उसका जो टारगेट होता है उसे मालूम होता है, उसे मालूम होता है उसे कैसे चलना है, उसे मालूम होता है उसे कैसे पूजा करनी है, उसे मालूम होता है उसे किस तरीके से कर्म करने हैं। घंटियों की आवाजें, बांसुरी की आवाज, झिंगुर की आवाज, ढोल नगाड़ों की आवाजें, बहुत सारी आवाजें छिपी हुई हैं इस शरीर के अंदर जो इन कानों से सुनी जा सकती है। ये जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल उठता है, चेतना का लेवल उठता है, वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी बदलती है। ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी जब बदलती है तो उसकी आवाज़ भी बदलती है और उस आवाज़ को, ये आंतरिक आवाज़ें हैं, उस आवाज़ को हम अपने कानों से सुन सकते हैं, वो अंदर की आवाज़ें हैं और इन अंदर की आवाज़ों को नाद कहा जाता है। नाद का लेवल जब घंटियों की आवाज़ तक पहुँचेगा तब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा ईश्वर से। डायरेक्ट मैसेजेस आएंगे, इस तरीके से आएंगे कि जैसे कोई मन के अंदर बोल रहा हो। डायरेक्ट डायरेक्शन मिलेगी, हर चीज बिल्कुल साफ नजर आएगी, झूठ और सच बिल्कुल साफ नजर आएगा। घंटियों की जो प्रेजेंस है, घंटियां मंदिर में इसलिए लगाई जाती हैं ताकि, और इसलिए आपसे बार बार बजवाई जाती हैं ताकि आपको हर पल जब भी आप मंदिर में जाएं आप सजग रहें इस बात के लिए कि इन घंटियों की आवाज तक आपको पहुंचना है और इन घंटियों की आवाज पर पहुंचने के बाद आपकी
असल यात्रा शुरू होनी है। ये था घंटियों की आवाज़ का रहस्य जो मैंने आज आपके साथ रूबरू किया। आप जब भी मंदिर में जाएं, केवल घंटी बजाकर संतुष्ट नहीं हो जाएं, सोचें कि मैं ये घंटी क्यों बजा रहा हूँ। जब तक ये नहीं सोचेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। कोई भी चीज़ बिना मतलब से रखी हुई नहीं है मंदिर में, ना तो घंटी बिना मतलब से बजाई जा रही है, ना ही जो जोत मंदिर की रखी हुई है जहाँ पे हम अग्नि जलाते हैं, दीपक जलाते हैं मंदिर में जाकर, वो भी बिना मतलब से नहीं रखा हुआ। हर चीज़ का एक रहस्य है, हर चीज़ एक सिंबल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम ऐसे ही एक अलग टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे और इस तरीके से हम बात करते रहेंगे। जुड़े रहिए योगा माई लाइफ पर। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।